चलें जी लेक्चर चेंज कर रहा हूँ तो दोबारा से दुकान खोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। वैलियन जूस पे करते हैं बात। एक एसेट है, 3 साल जिंदगी गुजार चुका है, कैरिंग अमाउंट है उसकी 450 मिलियन, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 435 मिलियन। वैल्यू इन यूज का कॉन्सेप्ट ये है कि अब से ऑनवर्ड अगर ये एसेट यूज हुआ तो क्या मिलेगा, वैल्यू इन यूज के यूज में क्या वैल्यू छुपी। तो इन 7 साल में इसको यूज करके जो मिलेगा वो उसकी वैल्यू यूज है। इन 7 साल में मिला के इससे टोटल पैसा हर साल, किसी साल 150 मिलियन मिलेगा, किसी साल 100 मिलियन मिलेगा, फिर एंड पे बेच देंगे तो 35 मिलियन मिलेगा। ये पूरे 7 साल जो बाकी रहते हैं इससे मिलने वाला पैसा लेट से 590 मिलियन है, जिसमें इसको यूज करने से पैसा मिलेगा। अच्छा, यूज करने से कैसे पैसा मिलेगा? अगर बस है तो किराया मिलेगा, और अगर कोई प्रोडक्शन मशीनरी है तो प्रोडक्शन होगी तो प्रोडक्शन सेल होगी, उससे पैसा आएगा, और एंड पे फिर एसेट बेच देंगे तो उससे पैसा आएगा। लेकिन पैसा जाएगा भी तो ही, अगर बस से किराया आएगा तो पेट्रोल भी खर्च होगा, ड्राइवर की तनख्वाह भी जाएगी, बस की मेंटेनेंस भी होगी, तो नेट नेट कर लेते हैं। तो इसको अगर यूज करेंगे तो उससे जो पैसा आएगा माइनस जो खर्चा होगा और एंड पे बेच के जितने का मिलेगा उसको मैं लेट से 590 मिलियन ले लेता हूं। ये 450 कब की वैल्यू है? आज क्या डेट है? 30 जून 22। और ये 30 जून 22 की वैल्यू है, एज एट 30 जून 22। ये कब की वैल्यू है? 30 जून 22। क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का मतलब है कि अगर अभी बेचेंगे तो नेट कितने का बिकेगा। तो ये दोनों की दोनों फिगर्स एज एट 30 जून 22 की है। 590 पूरे 7 साल की फिगर है, और आप बचपन से एक चीज पढ़ चुके हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो 590 एक फ्यूचर की वैल्यू है, वो इससे कंपेरेबल नहीं है। कंपेरेबल बनाने के लिए इस 590 को भी, तो वैल्यू इन यूज होती है कि क्या रिमेनिंग लाइफ में नेट मिलेगा की पीवी। तो वैल्यू इन यूज होगी, मिसाल के तौर पे इसको डिस्काउंट किया तो 442 मिलियन। ये होती है वैल्यू इन यूज, कि एक एसेट अभी जिस पॉइंट पे खड़ा है अब से ऑनवर्ड अगर उसको यूज किया तो जो नेट मिलेगा, अच्छा मिलेगा मतलब कैश, कैश वैल्यू इन यूज, अब से ऑनवर्ड अगर एसेट को यूज किया क्या कैश मिलेगा? नेट, और एंड पे नेट क्या कैश मिलेगा? इस सब की प्रेजेंट वैल्यू। क्यों प्रेजेंट वैल्यू? क्योंकि कंपेरेबल बनाना है तो इनको भी 30 जून 22 पे लाना पड़ेगा। तो वैल्यू इन यूज इज द नेट टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। ये होती है वैल्यू इन यूज। मैं हूं पेज 3 पे, तकरीबन मिड में वैल्यू इन यूज की हेडिंग है। पेज 3 तकरीबन मिड से नीचे वैल्यू इन यूज की हेडिंग है। पॉइंट 1 बता चुका और पॉइंट 2 भी तकरीबन चलो बता ही चुका। पॉइंट 1 और 2 दोनों पढ़ लें। जहां जहां वर्ड कैश जनरेटिंग यूनिट है ना उस पर आंख बंद करते जाएं, ये भी नहीं बताया हुआ, बस एसेट फ्रॉम एन एसेट बस। वैल्यू इन यूज पॉइंट नंबर 1 और 2 दोनों बता दिए। वैल्यू इन यूज की हेडिंग के नीचे जस्ट जो पॉइंट 1 और 2 लिखे हैं ये मैंने दोनों बता दिए।
करें ना यार, कौन से पार्ट टू पढ़ लिया, नीचे तो नहीं पढ़ लिया। वैल्यू इन यूज की हेडिंग के जस्ट नीचे जो पॉइंट 1-2 है ये बता दिए, वैल्यू इन यूज है प्रेजेंट वैल्यू जो इस एसेट से हमें कैश फ्लोज डिराइव होंगे, और पॉइंट 2 में लिखा हुआ है कि हमें इस एसेट के कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज निकालने पड़ेंगे और फिर उनकी डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो इस नेट आंसर को कहते हैं वैल्यू इन यूज। अच्छा, अब इसमें आगे फिर दो बातें हैं। इस 442 मिलियन तक पहुंचने के लिए दो चीजें एस्टीमेट की, एक फ्यूचर कैश फ्लोज और एक डिस्काउंट रेट। ये दो चीजें इस्तेमाल हुई हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज और डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड किस लिए? डिस्काउंटिंग करने के लिए, और फ्यूचर कैश फ्लोज इस एसेट से जो कैश मिलेगा। पहले करता हूं मैं फ्यूचर कैश फ्लोज की बात। अच्छा, जो बिल्कुल मरने वाले हो गए सो सो के, अब बस पक्का अब न्यूमेरिकल आ रहा है, उसकी लाइफ 4 साल बाकी है और हमें उम्मीद है कि इस एसेट से जो 4 साल में हम कैश इनफ्लोज जनरेट करेंगे, ईयर 1 में कर लेंगे कोई 500 मिलियन, 2 में कर लेंगे 600 मिलियन, 3 में कर लेंगे 430 मिलियन और ईयर 4 में कर लेंगे 270 मिलियन। इसके लिए खर्चे भी करने पड़ेंगे, ईयर 1 में खर्चा करना होगा 210 मिलियन, ईयर 3 में होगा 320, 200 और 130, और ये होंगे इसको यूज करने के इनफ्लोज और आउटफ्लोज। यानी अगर मशीन है तो जो उसका प्रोडक्ट सेल होगा ये वो है, और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मशीन को मेंटेन करने के लिए ये आउटफ्लोज। और उसके बाद चौथे साल क्या करें, उस मशीन को बेच देंगे, तो इसको बेच देते हैं 25 मिलियन का। एक एसेट की रिमेनिंग लाइफ 4 साल है, ये उस रिमेनिंग लाइफ पे एस्टीमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज है। तीन चीजें लिखी हैं मैंने, उस एसेट को यूज करने से जो कैश इनफ्लो होगा, जो उस कैश इनफ्लो को लेने के लिए आउटफ्लो होगा, और एंड पे वो एसेट जितने का बिकेगा। इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी वैल्यू इन यूज। तो उसका तरीका यह है कि इनको डिस्काउंट कर लें। अब जब डिस्काउंट करना ही है तो नेट करके कर लें। ये क्या बना, 290, 280, 230, 165। अच्छा, मैंने ना अभी वो कल बात की थी कि डिस्काउंटिंग आपको आनी चाहिए, आपको आती है। जिनको बिल्कुल भूल भाल गई है तो उनको ना मैं BFD में एक रिकॉर्ड कराया हुआ लेक्चर वो मैं शेयर कर लूँगा। और इतनी तो बेसिक शायद मेरे ख्याल में आती ही हो आपको, कैफ पास किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर भूल भाल गए हों तो मैं आपको BFD में एक डिस्काउंटिंग का लेक्चर पढ़ाऊँगा, वो आप लोगों से मैं शेयर कर लूँगा, आपके ग्रुप में आपसे शेयर कर लूँगा। अगर बिल्कुल भूल गए हैं कोई बात, इंतजार कर लें, नहीं तो टूटा फूटा है तो बता ही दें। डिस्काउंट रेट मैं कहता हूं 10% है, तो 0.909 डिस्काउंट फैक्टर बता दें। जिनको याद है डिस्काउंट फैक्टर बता दें, 0.7। वैल्यूज को डिस्काउंट करने का तरीका होता है कि उनका जो भी रिस्पेक्टिव डिस्काउंट फैक्टर बनता है उससे मल्टीप्लाई करने। डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है? डिस्काउंट फैक्टर ये होता है, अगर हमने किसी फिगर को डिस्काउंट करना है तो 1+ डिस्काउंट रेट पावर माइनस एन, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है, इसको कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर। तो डिस्काउंट रेट 10% था, ये इसके फैक्टर्स हैं। मल्टीप्लाई 2 6 1 2 2.7 0.7। अच्छा, डिस्काउंटिंग ना सिर्फ है 1 के लिए भी जरूरी है, लीजेस में बड़ी जरूरत है इसकी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इसकी बहुत जरूरत है। इतनी टूटी फूटी तो याद है कि ये भी नहीं पता क्या किया है। इन सब का नेट टोटल करिए, 780 3
टू। ये होती है वैल्यू इन यूज के एक एसेट की जो रिमेनिंग लाइफ रहती है उसके हवाले से कंपनी एस्टीमेट लगाएगी कि क्या इससे हमें कैश इनफ्लो आएगा, उस इनफ्लो को लेने के लिए क्या आउटफ्लो करना पड़ेगा। अच्छा मैं फिर बता रहा हूँ, मैं कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ, ये कैश इनफ्लो आउटफ्लो है, और एंड पे ये नेट कितने का बिकेगा, इनकी की जाएगी डिस्काउंटिंग और जो आंसर नेट टोटल बनेगा वो वैल्यू इन यूज है। ये मैंने आपको पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4 के टॉप पे पॉइंट नंबर 3 बता दिया सारा। अच्छा बल्कि उससे पहले चीज देखें, पेज 3 पे आए, पेज 3 आखिर में जो पॉइंट 1-2 है इनसे ऊपर क्या हेडिंग है, यानी अब से ऑनवर्ड मैं ये डिस्कस करने लगा हूं कि इन कैश फ्लोज को एस्टीमेट करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना है। ठीक है, अब से ऑनवर्ड डिस्कशन ये होने लगी है कि ये जो ऊपर 3 लाइनें लिखी हैं इनमें क्या क्या आना है। अब पेज 4 के टॉप पे आए और मैंने पॉइंट 3 बता दिया सारा। फ्यूचर कैश फ्लोज शैल इंक्लूड क्या, एसेट को यूज करने से जो इनफ्लो आएंगे, इन इनफ्लोज को कमाने के लिए जो आउटफ्लो होंगे, और फिर एंड पे नेट कितने का बिकेगा। और ये 25 ऐसे ही कैलकुलेट होगा जैसे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैलकुलेट होती है, लेकिन फर्क ये है कि हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वो तो अभी की निकाल रहे होते हैं, अगर तब की निकालें तो वो ये, यानी उन्हीं असूलों पे, कॉस्ट टू सेल कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट लेनी है, फालतू कॉस्ट नहीं लेनी है, बिल्कुल उन्हीं असूलों पे निकाली हुई। तो अगर आज के बुनियाद पे कैलकुलेट करें तो वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, और अगर एंड ऑफ लाइफ का सोचें तो ये वो फिगर है। ये 3 लाइनें ये पेज 4 के टॉप पे पॉइंट 3 में बताया हुआ है, पढ़ लें तो मैं आगे चलूं। पेज 4 का टॉप पॉइंट नंबर 3 सारा एबीसी और डब्बा समेत। डब्बा समेत पॉइंट 3 का ए ये हो गया, इस मशीन से जो सेल होगी उस सेल से जो पैसा आएगा ये वो है। इस मशीन के कुछ तो खर्चे होंगे बिल्कुल डायरेक्ट इस मशीन के, जैसे इस मशीन ही का कितना फ्यूल कंज्यूम होगा, इस मशीन के ही ऑपरेटर की कितनी तनख्वाहें होंगी, वो तो इस मशीन का टिपिकल इसका खर्चा है। कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो होंगे तो ओवरऑल फैक्ट्री में, लेकिन इस मशीन को आराम से एलोकेट हो सकते होंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कह लो चलो, या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसके खर्चे जो इस मशीन से रिलेटेड होते होंगे, तो या तो इसके अपने जाती खर्चे होंगे या फिर किसी ना किसी तरह इसको एलोकेट हो सकते होंगे। आपको अगर ये न्यूमेरिकल टेस्ट हुआ गिवन होंगे। पेज 4.3 डन। डब्बा समेत, डब्बा नहीं पूछना, क्या क्या पूछना है बताएं। हाँ मैं आपको ये कह रहा हूं कि वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में से जो हायर है वो रिकवरेबल अमाउंट है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, अभी जो मैंने इससे पहले मिसाल लिखी हुई थी, किस दिन पे खड़े होकर हम ये कैलकुलेशन कर रहे थे, 30 जून 22। 30 जून 22 पे खड़े होकर जब हम रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या होगी। नंबर नहीं पूछ रहा, वैसे पूछ रहा हूं कि अभी इसी वक्त बेचेंगे तो नेट कितने का मिलेगा। अभी मतलब 30 जून 22 को ही बेचेंगे तो किस दिन की ये प्राइसेस होंगी, 30 जून 22 की। ये कौन सी फिगर है, वो 2028 को जाके जितनी महंगाई हो गई होगी तब कितने का बिकेगा, ये वो है। निकलेगा वैसे ही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू सेल में क्या करना है क्या नहीं करना है असूल वही होगा, लेकिन कब की वैल्यूज, वो 2028 की वैल्यूज, ये लिखा हुआ डब्बे में। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है, नहीं। अब इसमें लाते हैं मसले, पहले बताता हूं आपको मसला नंबर, चले पहले मैं आपको मसला नंबर पॉइंट नंबर 1 पेज 3 जहां मैंने फ्यूचर कैश फ्लोस की हेडिंग शुरू की है पहले इसका पॉइंट 1 समझाता हूं। अगर ये नोट करना हो तो ये जो कैश फ्लोस हैं उसमें जीरो का पार्ट भी समझ रहे हैं, अभी ये आनी है बात,
ईयर फोर में, ईयर फोर में कौन से रिसीवेबल का पार्ट शामिल है? अभी कब? ये जो इस वक्त चार साल लिखे हुए हैं, ये फ्यूचर चार साल है। अब आप बोलिए ईयर फोर का क्या बोल रहे हैं? अच्छा मैं फिर बता रहा हूँ, ये फ्यूचर चार साल है, ठीक है। हम इस वक्त 2020 पे खड़े, ये 2021, 22, 23, 24 बना हुआ है। अब बोलिए अच्छा आप जो पूछना चाह रहे हैं ना, मैं भी एक दो पॉइंट और बता दूँ। शायद आप, मुझे लग रहा आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। मैं वो बात बता लूँ तो शायद एक हिस्सा तो आपका वहाँ आंसर हो जाएगा। फिर भी ये जो यहाँ फिगर्स लिखी होंगी ना, ये कैश ही है। यानी अगर 2023 में जो चीज़ें बिकनी हैं उसका पैसा जो 24 में आना है वो यहाँ 24 में लिखा हुआ नजर आएगा आपको, क्योंकि ये कैश फ्लोज हैं। ये चार के कॉलम में जो इनफ्लोज लिखा हुआ है वो ईयर थ्री की सेल्स हो सकती हैं जिनका पैसा ईयर फोर में मिलना है, क्योंकि ये कैश फ्लोज लिखे हुए हैं। बाकी आपके सवाल का एक हिस्सा है जो अभी थोड़ी देर तक आता है सामने, तो फिर मैं पांच कॉलम बना देता। नहीं, ये कैश फ्लो है। अगर इसके पैसे कुछ 25 में आने होंगे तो मैं पांच वाला कॉलम भी बना दूंगा। कर लिया करेंगे। अगर डिस्पोजल का पैसा चौथे में आएगा तो मैं उसको चौथे पे लिखूंगा। अगर कुछ चीजों के बेचने का पैसा पांचवें में आएगा तो मैं उसको पांचवें में लिखूंगा। जो जो पैसा जब आने की उम्मीद है उस कॉलम में लिखना। क्या हो गया? एक मिनट, अभी किया कहाँ है भाई? पेज थ्री के एंड पे फ्यूचर कैश फ्लोज पॉइंट नंबर 1 समझाने लगा हूं। एक एसेट की रिमेनिंग लाइफ 4 साल है और एस्टीमेशन की जा रही है कि इस एसेट को यूज करके नेट कितना कैश मिलेगा, लेकिन अनसर्टेनिटी बहुत है। अगर रिजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो गया तो क्या होगा, ना हुआ तो क्या होगा, और अगर मुराद साहब की हुकूमत आ गई तो क्या होगा, पीपल पार्टी आ गई तो क्या होगा। अब ये मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं। हो सकता है पहला सिनेरियो हो जिसके चांसेस 25% हैं, तो फिर इस एसेट से हमें नेट 180 मिलेगा, नेट 100 नेगेटिव में जाएंगे, 320 मिलेगा और 150 मिलेगा। लेकिन अगर सिनेरियो 2 हुआ जिसके चांसेस 0.4 हैं, तो फिर ईयर 1 में नेट 240 जनरेट होगा, ईयर 2 में नेट 130 जनरेट होगा, ईयर 3 में नेट 420 जनरेट होगा और ईयर 4 में नेट 210 जनरेट होगा। लेकिन अगर सिनेरियो 3 हो गया जिसके चांसेस ये क्या बना 35% है, तो फिर ये हो जाएगा। अब हमने फ्यूचर कैश फ्लोस की डिस्काउंटिंग करनी है, इनकी डिस्काउंटिंग करें कि इनकी करें कि इनकी करें। चूंकि ये हालात भी पॉसिबल है, ये हालात भी पॉसिबल हैं, ये हालात भी पॉसिबल हैं, हमें कोई ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसमें ये सब रिफ्लेक्टेड हो, और उसका एक ही हल है समेशन पीएक्स। इनका प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज कर लेंगे। जैसे ईयर 1 कुछ ऐसा एवरेज करें कि उसमें इन तीनों को रिफ्लेक्ट कर दें, तो कैसे? दिस इंटू दिस सम P into X, P into SX और सम। इसको कहते हैं समेशन PX या एक्सपेक्टेड वैल्यू। दिस इनटू दिस 316। ये ईयर 1 के एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है। अब वैल्यू इन यूज निकालते हुए ईयर 1 में ये फिगर यूज होगी। ये ऐसी फिगर है जिसमें तीनों पॉसिबिलिटीज रिफ्लेक्ट हो गई। ईयर 2 This into this. अच्छा ये माइनस है,
टू थ्री सेवन, इसी तरह से थ्री, इसी तरह से फोर, फोर नाइन थ्री, फोर जीरो टू। चलो अच्छा, आप ना सारे लोग आप भी और ऑनलाइन वाले भी जो भी कुछ नोट कर रहे हैं ना, साथ ये भी लिंक नोट करें कि मैं क्या बता रहा हूं। ये मैं आपको पेज थ्री के एंड पे लिखा हुआ या पेज फोर के एंड पे लिखा हुआ पॉइंट वन समझा रहा हूं, ताकि आप रिलेट तो करें ना, हम कर क्या रहे हैं। यानी अगर एसेट से होने वाले फ्यूचर कैश फ्लोज अनसर्टेनिटी हो, मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हो, तो हमें कुछ ऐसे कैश फ्लोज लेने चाहिए जिसमें सारी सिचुएशन रिफ्लेक्टेड हो, जिसका एक बेस्ट हल समेशन पी एक्स करना। तो फिर अब हम वैल्यू यूज निकालते हुए किन कैश फ्लोज की पीवी निकालेंगे, ये काले वाले कैश फ्लोज। अब इनकी डिस्काउंटिंग करेंगे तो वो वैल्यू यूज होगी। ये आपको मैंने पेज थ्री के एंड पे लिखा पॉइंट नंबर वन बता दिया, पेज थ्री के एंड पे पॉइंट नंबर वन। जी जनाब, नोटेड भी और वो पढ़ेड भी, पॉइंट नंबर वन पेज नंबर थ्री। ओके, लिखें एक सवाल। डिस्काउंटिंग या कैश फ्लोज एस्टीमेट करना? नहीं, डिस्काउंट करना अलग बात है, कैश फ्लोज की बात करें आप। आप पूछ रहे हैं कैश फ्लोज कैसे एस्टीमेट करेंगे? हाँ, सवाल ये है कि इस वक्त जो इकोनॉमी के हालात हैं, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, तो फिर कैश फ्लो एस्टिमेट कैसे करें? आईएस 36 की जो गाइडेंस है ना, वो बस ये है कि बस कुछ बेस्ट अंदाजे लगा लो, बस बेस्ट अंदाजे लगा लें। देखें, क्या अभी के हालात में कंपनीज अपने बजट बनाने छोड़ चुकी होंगी? कंपनीज बजट बनाती हैं? अच्छा, गवर्नमेंट बजट बनाती है? बनाती है। कभी कोई आर्टिकल में कोई ऐसा क्लाइंट किया हो, कोई ऐसा एक्सपोजर हुआ हो, बिजनेसेस बजट्स बनाते हैं या नहीं? पता, बनाते हैं। एक अच्छी रीजनेबल कंपनी बजट बनता है, तो क्या आजकल के हालात में बजट बनने बंद हो गए होंगे? नहीं, बजट तो बनते ही होंगे। तो बजट कैसे बनते होंगे? बेस्ट अंदाजे लगाते होंगे। तो ये हमारी टेंशन नहीं है ना,
जो भी रेलिवेंट एक्सपर्ट होगा वो लगाएगा बेस्ट अंदाजा, तो लग जाएगा बेस्ट अंदाजा, कुछ तो अंदाजा लग सकता है ना, ये बिल्कुल आंखों पे पट्टी है। तो हम कौन सा कस्में खा के वैल्यूज निकालने लगे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं ना, मतलब हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि यही होगा नहीं तो गोली मार देना, हम तो अंदाजा लगा रहे हैं ना। तो जो इस वक्त के हालात के मुताबिक बेस्ट अंदाजा है हम वो अंदाजा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बेस्ट अंदाजा तो लग सकता है। अगले साल चेंज हो जाएगा, चेंज कर लेंगे। एक सवाल लिखे, डेटा लिखे, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो फॉर ईयर वन, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो फॉर ईयर वन 240 मिलियन, बल्कि ऐसा करें कि एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो बता रहा हूं, ईयर वन 2, 3, 4 इस तरह से लिख लें, करते हैं लिखते जाएं बस, यानी कॉलम ना बनाए ना, 1, 2, 3 ऐसे लिख लेना। एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो ईयर वन का बोला है मैंने 240 मिलियन, ईयर टू 350 मिलियन, ईयर थ्री 360 मिलियन, ईयर फोर 8%, इंक्रीज बाय 8%, ईयर फाइव इंक्रीज बाय 5%, ईयर सिक्स इंक्रीज बाय 5%, ईयर सेवन इंक्रीज बाय 10%। बस आपसे रिक्वायर्ड है ये फिगर्स भर दें सारी, 1, 2, 3 तो मैंने लिख दिया, 4, 5, 6, 7 के कैश फ्लोज लिख दें क्या है, क्या मतलब इंक्रीज बाय, जो इससे पिछला साल था उसको बढ़ा लें, तो ईयर 4, 5, 6, 7 के कैश फ्लोज बता दें। ईयर फोर में 360 को 8% बढ़ा लेंगे। अच्छा 8% बढ़ाना ये ठीक है सारे 1.08 से मल्टीप्लाई कितना 388 पॉइंट, बल्कि खैर है 389। ईयर फाइव के लिए 389 को बढ़ा लें 1.04 ईयर सिक्स के लिए 408 को कितना 1.05 429, खैर ईयर सेवन में 429 को 472। अगर तो बिजनेस ने, अच्छा बिजनेस हम बजट बनाते हैं, बिजनेस बजट ये बनाते हैं कि अगले एक साल, दो साल, तीन साल, कोई बहुत अच्छा बिजनेस है तो 5-5 साल का बजट भी बना रहे होते हैं कि पूरे बिजनेस के क्या क्या इनफ्लोज होंगे, आउटफ्लोज होंगे, तो वो बजट पूरे बिजनेस का कैसे बनाते होंगे, डिटेल वर्किंग करते होंगे, प्रोडक्ट्स के यूनिट्स कैलकुलेट करते होंगे, प्राइस कैलकुलेट, बड़ी डिटेल वर्किंग होती होगी। तो उस सारी डिटेल वर्किंग में उस फैक्ट्री में लगे हुए प्लांट की भी तो वर्किंग की होगी। अच्छा ये जो मैं अब बात बता रहा हूँ ना, आपको तो ये गिवन ही होगा, वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ,
अगर एक बिजनेस अपनी पूरी कंपनी का बजट बना रहा होगा तो यकीनन वो हर फैक्ट्री हर प्रोडक्शन मशीन की कैलकुलेशन कर रहा होगा बैठ के, यानी बैकएंड पे सारी वर्किंग्स मौजूद होंगी। तो बजट बनाते हुए उसने कुछ ना कुछ एस्टिमेशंस तो पहले ही कर ली हुई हैं, तो बजट की फिगर्स उठा ले। और अगर एसेट की लाइफ उससे भी ज्यादा है तो अंदाजे आप परसेंटेज की शक्ल में भी लगा सकते हैं, आप नहीं मतलब कंपनी। जितने बजट बनाए हैं वो बजट की फिगर ले लें और उसके बाद वाले ईयर्स के लिए ये हरकतें कर सकते हैं। इसको कहते हैं एक्स्ट्रापोलेट करना। कॉन्स्टेंट रेट भी यूज हो सकता है, लोअर रेट भी यूज हो सकता है, हायर रेट भी यूज हो सकता है, जैसे कंपनी को ठीक लगे। अगर बजट बनाया है तो बजट की फिगर्स उठा लें जितनी भी हैं और उसके बाद वाले ईयर्स की फिगर परसेंटेज यूज करके एक्स्ट्रापोलेट कर लें। आपके करने वाला काम क्या है, आपको ऐसे टेस्ट हो सकता है कुछ फिगर्स दी हो और बाकी की फिगर्स के लिए ये वाले काम बताएं। तो स्टूडेंट के लिए आपसे कैलकुलेशन टेस्ट हो सकती है, और वैसे नॉलेज के लिए कंपनी ने बजट बनाया होगा वो फिगर्स उठा लें और उसके बाद वाली फिगर्स के लिए एक्स्ट्रापोलेशन कर लें। पेज नंबर 3 लास्ट पॉइंट, अगर बजट्स बनाए हैं तो वो यूज कर लें और उसके बाद वाली फिगर्स के लिए चाहे कॉन्सेंट रेट यूज कर लें, चाहे डिक्लाइनिंग रेट यूज कर लें, चाहे इंक्रीजिंग रेट यूज कर लें, कंपनी की मर्जी। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेटा बताया होगा, आपने कैलकुलेशन करनी होगी जिस पे मैनेजमेंट मुतमईन है, मैनेजमेंट का जमीर मुतमईन होना चाहिए बस। मैनेजमेंट जिस पे मुतमईन है बस, अगर मैनेजमेंट को लगता है कि सातवें साल में बहुत ज्यादा ग्रोथ आ जाएगी तो मैनेजमेंट को लगता है तो ठीक ही कह रहे होंगे, तो इंक्रीजिंग रेट भी यूज हो सकता है। हाँ शायद बस IS 36 ये कह रहा है मैनेजमेंट खुश है, बस ठीक है जो वो मुतमईन है ठीक, बस ऑडिटर को जस्टिफाई कर लें, बस ऑडिटर तो जस्टिफाई हो ही जाता है बस। देखे ना कितना आसान काम है ऑडिट, क्लाइंट आपको अच्छे खाने खिला के आपको मुतमईन कर लेता है, आप अपने सीनियर को रब कर लेते हैं मुतमईन, वो अपने सीनियर को मुतमईन कर लेता है, उसको अपनी नौकरी बचानी होती है, पार्टनर वैसे ही मुतमईन हो जाता है। इतना आसान काम है ऑडिट। अच्छा जी यहां तक जाग रहे हैं, यहां तक ओके। अच्छा अब आप ही बता दें, मैंने अभी कम से कम 30-40 मिनट और पढ़ाना है, कंटिन्यू करूं या 15 मिनट की ब्रेक करनी है? हाँ जी लेकिन जाते रहना है, करूं कंटिन्यू? एसेट की जिंदगी के 4 साल गुजर चुके हुए हैं, 8 अभी बाकी हैं। कैरिंग अमाउंट है इसकी 400 मिलियन। वैल्यू इन यूज के अगर इसको यूज किया तो क्या कैश नेट इनफ्लो आउटफ्लो वगैरह सब जनरेट होगा अगर यूज किया तो। 2022 में इस मशीन से कुछ यूनिट्स बनाए थे और वो यूनिट्स सेल कर दिए थे लेकिन उधार पे बेचे थे। अच्छा मैं थे कह रहा हूं, यानी 22 गुजर गया हुआ है। 2022 में इस मशीन से प्रोडक्शन कर ली, वो सेल हो गई लेकिन थी वो क्रेडिट पे। इसका कैश 2023 में मिलेगा, इसका कैश यहां आएगा। अब हम 30 जून 22 पे खड़े हैं और इस रिमेनिंग यानी फ्यूचर कैश फ्लोज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर कैश फ्लोज में ये वाला कैश भी फ्यूचर कैश फ्लो ही है,
तो इसको काउंट होना चाहिए या नहीं? हाँ जी, है बेशक वो फ्यूचर कैश फ्लो, लेकिन वो इसके यूज करने का कैश नहीं है। यूज तो हो चुका था। वैल्यू इन यूज का कॉन्सेप्ट ये है कि अब से ऑनवर्ड अगर एसेट को यूज किया तो क्या होगा। तो ये वाला कैश मजीद यूज से तो नहीं मिलना, ये तो यूज हो चुका था, चीजें बन चुकी थी, उन डेटर से मिलने वाला पैसा है ये। जो इससे प्रोडक्शन हो चुकी थी, सेल हो चुकी थी, उनसे ये मिलने वाला पैसा है। ये वैल्यू इन यूज में बेशक फ्यूचर कैश फ्लो है, ये नहीं होगा वैल्यू इन यूज में कंसिडर। इसी तरह चीजें बन चुकी थी, बिकी नहीं थी, इन्वेंट्री में पड़ी हुई थी, कल बिकेंगी तो उनके बिकने से पैसा आएगा, तो वो फ्यूचर कैश फ्लो में इंक्लूड होना चाहिए? क्यों नहीं है? तो इन्हीं के, क्योंकि वो मशीन यूजेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मशीन हो चुकी है यूज। अब वो जो कल पैसा आएगा वो इस मशीन एसेट से आने वाला पैसा नहीं होगा, डेटर एसेट से आने वाला पैसा होगा। या कल को जो पैसा आएगा वो उस मशीन एसेट से आने वाला पैसा नहीं होगा, उस इन्वेंट्री एसेट से आने वाला पैसा होगा। तो अगर मशीन यूज हो चुकी और उसके नतीजे में कोई और एसेट क्रिएट हो चुका, डेटर, इन्वेंट्री, उससे जो कल पैसा आएगा वो मशीन की वैल्यू यूज में नहीं काउंट होगा। बिल्कुल इसी का उलट, मशीन यूज होगी तो जो बिजली कंज्यूम होगी, जो मटेरियल कंज्यूम होगा, उसका जो जो कैश आउटफ्लो होगा फ्यूचर, वो आउटफ्लो है, ठीक है, आउटफ्लो है। लेकिन जून 2022 में जो बिजली कंज्यूम हो चुकी थी उसका जो बिल जुलाई 22 में आएगा वो काउंट होना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो मशीन के पुराने यूज से रिलेटेड है। तो वो जो कल को पेमेंट होगी वो असल में मशीन की पेमेंट नहीं होगी, वो बिजली का बिल पेएबल की पेमेंट होगी। मुश्किल होगी बात के समझ आ रही है? कल को जो मटेरियल खरीदेंगे, यूज करेंगे, उसका जो पैसा होगा, हां वो इसके फ्यूचर कैश आउटफ्लोज हैं। लेकिन जो जून में मटेरियल खरीद चुके थे, इस्तेमाल कर चुके थे, लेकिन क्रेडिट पे खरीदा था, अब जुलाई में उन क्रेडिटर्स को पैसे देने होंगे, तो वो उस मशीन का आउटफ्लो है? नहीं, वो क्रेडिटर लायबिलिटी का आउटफ्लो है। तो ईयर एंड पे अगर ये मशीन यूज हो चुकी और उसके नतीजे में कोई एसेट, कोई लायबिलिटी क्रिएट हो चुका, उनका जो कल को कैश फ्लो है वो वैल्यू यूज में नहीं काउंट होना, वरना डुप्लीकेशन हो जाएगी। पेज नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 बता दिया। वो उसकी सेल में काउंट होगा, यानी अगर हम कस्टमर से पैसे एडवांस पकड़ चुके हुए हैं, वो अब इसकी सेल में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि मशीन यूज करेंगे तो उसको चीजें बेचेंगे, मशीन यूज नहीं करेंगे फिर तो पैसे वापस करने पड़ जाएंगे। हाँ बेशक वो कैश आ चुका है, लेकिन वो मशीन यूज होगी तो कैश हमारे पास रहेगा, वरना तो वापस करना पड़ जाना था वो कैश। हाँ उसको हम एज एन इनफ्लो लेंगे, क्योंकि वो इस मशीन के यूज का ही कैश होगा। इन्वेंट्री खरीद चुके हैं, अच्छा उधार पे खरीदा है के? तो फिर वो क्रेडिटर के पैसे हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड एसेट लायबिलिटी के पैसे अगर आने जाने हैं तो वो कंसिडर नहीं होंगे, क्योंकि वो उस लायबिलिटी के पैसे होंगे। अगर कैश पे खरीदा हुआ है, बस पड़ा हुआ मटेरियल, तो वो अगले साल का इस्तेमाल माना जाएगा। पॉइंट नंबर 4 बता दिया आपको। नहीं ना, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे होंगे। देखें, बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं। अगर हमारी बैलेंस शीट में मशीन भी आ रही है और हमारी बैलेंस शीट में डेटर भी आ रहे हैं, तो जो कल को पैसा मिलना है उन डेटर से, वो डेटर एसेट का फ्यूचर बेनिफिट है या मशीन एसेट का फ्यूचर बेनिफिट है? वो डेटर एसेट का फ्यूचर बेनिफिट है। अगर हमने उस मशीन को ना भी यूज किया तो वो पैसा डेटर से मिलना है। अगर हम उसको डेटर का बैलेंस में रहे और मशीन की भी वैल्यू यूज मान लें, तो हम सेम बेनिफिट को दो एसेट्स का बेनिफिट कह रहे होंगे। इसी तरह अगर एक क्रेडिटर बन चुका हुआ है, क्रेडिटर बन चुका है, उसको भी पैसे देना हमारी लायबिलिटी है, और अगर हम उसको अपने एसेट का आउटफ्लो मान लें तो लायबिलिटी भी शो हो रही है
और एसेट भी कम शो हो रहा है, डबल डबल हो जाएगा, कम शो होना वाली बात, क्योंकि अगर ये बात दोबारा सुने, ये जो डबल काउंटिंग है ना, इसका मतलब समझा रहा हूं, बैलेंस शीट में मशीन कितने से एसेट आ रहा होगा, 400, डेटर एसेट भी आ रहा है 10 मिलियन का, इस मशीन से चीजें बन चुकी, बिक चुकी, वो डेटर एसेट आ रहा है, अगर मशीन ना भी यूज हुई तो डेटर नहीं, वो डेटर से पैसे आने हैं, तो वो जो डेटर से पैसा आना है असल में वो डेटर एसेट से मिलने वाला बेनिफिट है, या मशीन एसेट से मिलने वाला बेनिफिट, अगर हमने उसको डेटर भी शो किया हुआ है और इस मशीन से मिलने वाले भी कैश फ्लोज में ले लिया, तो मशीन की रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा आ गई, और मशीन भी हम खुशी खुशी एसेट दिखा रहे हैं, देखो इतनी ज्यादा रिकवरेबल अमाउंट है, तो मशीन की भी रिकवरेबल अमाउंट में इंक्लूड हो गया, वो डेटर की भी रिकवरेबल अमाउंट में इंक्लूड हो गया, तो सही नहीं है। इसी तरह से अगर हम एक मटेरियल खरीद के इस्तेमाल कर चुके, क्रेडिटर है हमारी बुक्स में, वो एक लायबिलिटी है, तो उस लायबिलिटी को हम लायबिलिटी ही इसलिए कह रहे हैं कि पैसे देने हैं, यानी उसको लायबिलिटी कहना हमारे पैसे देने को शो कर रहा है, और हमने अगर मशीन की वैल्यू इन यूज निकालते हुए उसको एज एन आउटफ्लो भी ले लिया, तो वो फिर से एक आउटफ्लो हमारे एसेट के अंदर कवर हो गया, यानी वो रिकवरेबल अमाउंट को कम कर देगा, तो एक तरफ लायबिलिटी भी दिखा रहे हैं और एसेट भी कम दिखा रहे हैं। अच्छा, रही बात यहां तक के रॉ मटेरियल की, अगर पहले मैं, एक स्टूडेंट ने सवाल किया था वो बताता हूं, कस्टमर से एडवांस मिल चुका था, अब पैसा मिल चुका, लेकिन गुड्स मशीन से बनाएंगे तो कस्टमर को देंगे, अगर नहीं बना सकेंगे तो पैसा वापस करना पड़ेगा ना, यानी वो पैसा बेशक फिजिकली हमारे पास पहुंच चुका है लेकिन वो मशीन यूज करने का ही पैसा है, तो वो कंसिडर होगा एज एन इनफ्लो। इसी तरह से हम मटेरियल खरीद चुके, अभी इस्तेमाल नहीं किया, कैश पे खरीद चुके, यानी पैसा जेब से जा चुका, पैसा जा चुका, मटेरियल स्टॉक में पड़ा, ये पूछ रहे हैं ना, यूज नहीं किया, हाँ, तो फिर पैसा भी जेब से नहीं गया हुआ ना। अब जब पैसा जेब से नहीं गया हुआ तो हम उसको क्रेडिटर भी लायबिलिटी के तौर पे ले रहे हैं, और एसेट में भी अगर आउटफ्लो ले लिया तो फिर ये डबल काउंट हो जाएगा, क्रेडिटर में भी शो हो रहा है और एसेट के अंदर भी वो डबल काउंट हो जाएगा एज एन आउटफ्लो। अगर मटेरियल स्टॉक में पड़ा हुआ है, खरीद चुके, पैसा दे चुके, क्रेडिटर नहीं है, मटेरियल खरीद चुके, पैसा आउट हो चुका, अब वो मटेरियल हमारे पास स्टोर में पड़ा हुआ है, अगर अभी एसेट यूज ना किया, अगर अभी मशीन यूज ना की, तो वो मटेरियल हम मार्केट में बेच देंगे, यानी वो पैसा हमारा खर्च एक तरह से वापस आ ही जाना है, खर्च बेशक हो चुका है लेकिन एक तरह से वापस, समझो कैश ही पड़ा हुआ है, अगर मशीन यूज ना की तो वो बेच के हम पैसा वापस ले लेंगे, अब इस मशीन में यूज करना उसका कैश आउटफ्लो कंसिडर होगा, क्योंकि मशीन की वैल्यू इन यूज वो कैश फ्लोज हैं जो मशीन के यूज करने से लिंक्ड हैं। मशीन यूज होगी वो कैश फ्लोज जो मशीन के यूज से लिंक्ड हैं, मशीन यूज होगी तो कैश फ्लो होगा, यूज नहीं होगी तो कैश फ्लो नहीं होगा, वो आने हैं वैल्यू इन यूज के अंदर। अगर हम मटेरियल खरीद चुके, कैश आउटफ्लो हो चुका, एक तरह से वो समझो कैश ही पड़ा हुआ है, इसको मैं क्यों पड़ा हुआ कैश कह रहा हूं, क्योंकि अगर ना इस्तेमाल हुआ तो भी पैसा वापस आ जाए, समझो कैश हमारे पास मौजूद है, अब अगर वो मटेरियल मशीन में इस्तेमाल होगा तो असल में अब एक तरह से कैश आउटफ्लो हुआ, कैसे, तो अब वो जो मटेरियल बेच के पैसा आ सकता था तो अब है वो हमारा खर्चा, तो इसलिए अगर मटेरियल खरीद चुके हुए हैं लेकिन यूज नहीं हुआ, हाँ वो आउटफ्लो कंसिडर होगा। एडवांस फ्रॉम कस्टमर ले चुके हैं, टेक्निकली पैसा है लेकिन अभी गुड्स नहीं बेची, बेचेंगे तो ही वो पैसा हमारे पास रहेगा, वरना तो वापस चला जाना था, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो जाएगा अकाउंट। अगर आप इन वर्डिंग पे भी गौर करें ना, तो वर्डिंग है अदर एसेट से इनफ्लो और अदर लाइबिलिटीज का आउटफ्लो, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर तो एक इनफ्लो ही था ना, तो इसलिए वो एसेट्स जो बुक्स में मौजूद हैं उनका अगर फ्यूचर कैश फ्लो होना है, और वो लाइबिलिटीज जो बुक्स में मौजूद हैं उनका अगर फ्यूचर कैश फ्लो होना है, वो वैल्यू यूज में कंसिडर नहीं करना, ये मतलब है इस पॉइंट नंबर 4 का। बाकी अभी इसका एक सवाल कराता हूं तो और शायद बेहतरी हो जाए। कहां पर अच्छा, ये जो बी में लिखा हुआ है पेबल्स पेंशन और प्रोविजंस, अगर हमने मशीन यूज कर ली और उसकी रिपेयर कंडक्ट कर ली लेकिन अभी उसकी पेमेंट नहीं की,
तो उसका एक पेबल बना के रखा हुआ है, ये पेबल की मिसाल हो गई। इसी तरह से उस मशीन के इस्तेमाल, उसकी किसी खराबी, हमारी किसी हरकत की वजह से हम एक प्रोविजन फॉर पेनल्टी बना चुके हैं, प्रोविजन फॉर रिपेयर बना चुके हैं। तो वो खर्चा अभी हुआ नहीं है, लेकिन उस काम का खर्चा है जो ऑलरेडी मशीन के साथ परफॉर्म हो चुका, तो उसको अब दोबारा से आउटफ्लो में शामिल नहीं करना। यानी जो हमारी बुक्स में एसेट लायबिलिटी आ चुका, उसके लिए जो कल को कैश इनफ्लो आउटफ्लो आना है, वो वैल्यू यूज में कंसिडर नहीं होगा। अच्छा, यहां तक का एक सवाल लिखें। अच्छा, यहां तक का एक सवाल लिखें। बल्कि एक पॉइंट और बताता हूं, फिर बताता हूं सवाल। आप आइए पेज 4 पे ही, पॉइंट नंबर सिक्स। हमने एक एसेट लिया हुआ है, यही वाला, चलो 4 साल हो गए इसको इस्तेमाल करते, और ये एसेट लोन लेके खरीदा था। इस एसेट के लिए लोन लिया हुआ था, जो इस एसेट के लिए ही लिया था, जैसे होम बेस्ड फाइनेंसिंग है, तो हमने इसके लिए एक लोन लिया हुआ था। कल को लोन वापस भी करना होगा, तो वो जो लोन कल को वापस करना होगा, वो है तो इसी एसेट से लिए, एसेट के लिए लिया हुआ लोन, तो वो जो कल को लोन वापस करना होगा, वो इस एसेट का फ्यूचर कैश आउटफ्लो है। दोबारा सुने, एसेट लोन लेके खरीदा था, लोन वापस करना होगा कल को, एसेट के लिए ही लोन था, तो वो जो कल को लोन वापस करना होगा, वो इस एसेट की वैल्यू इन यूज का फ्यूचर कैश आउटफ्लो है, लेकिन है तो इसी का लोन, इसके यूज से लिंक नहीं है, क्योंकि वो तो एक लोन है जो वापस करना ही करना है। लोन हम ले चुके, लायबिलिटी बन चुका, अगर कल को लोन वापस करना है तो क्या वो इस एसेट के यूज पे डिपेंडेंट है? नहीं। तो अगर लोन वापस करना पड़ रहा है तो वो इसके कैश फ्लोज में नहीं होगा कंसिडर। इसी तरह ये प्लांट हमें प्रोडक्शन करके देगा, वो चीजें हम बेचेंगे, बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा, उस प्रॉफिट पे टैक्स पड़ेगा, तो वो जो कल को इनकम टैक्स देना पड़ेगा, वो यहां से लेस करें, क्यों ना लेस करें, जाग रहे हैं, क्योंकि वो बिजनेस के प्रॉफिट्स पे टैक्स लग रहा है, हर एसेट की कमाई पे टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स तो बिजनेस के प्रॉफिट्स पे लगता है, पता नहीं कितना टैक्स लगेगा, पता नहीं कौन सा रेट अप्लाई होगा। तो इसलिए अगर एसेट लोन लेके खरीदा है तो लोन वापसी वाले कैश फ्लोस कंसिडर नहीं करने, और जो इस एसेट की कमाई पे अगर आपको लगता है कि इनकम टैक्स देना पड़ रहा है तो वो भी कंसिडर नहीं करना, क्योंकि इनकम टैक्स बिजनेस के ऊपर पड़ना है, एसेट के ऊपर नहीं पड़ना। ये मैंने पॉइंट 6 बता दिया आपको, पॉइंट सिक्स पढ़ने पहले पेज 4 पे मैंने पॉइंट नंबर 6 बता दिया। जी पॉइंट सिक्स पेज 4 पे, ओके जी बोलिए। वैल्यू यूज की वर्डिंग किस चीज की? ये ले पॉइंट पेज नंबर 3, वैल्यू यूज की हेडिंग के नीचे वाला पॉइंट 1। मैं दोबारा बताता हूँ, वैल्यू इन यूज उन फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी है जिन फ्यूचर कैश फ्लोज का ताल्लुक मशीन के यूज करने से है। अब से ऑनवर्ड, जो पहले हो गया सो हो गया, अब से ऑनवर्ड मशीन यूज होगी तो जो कैश फ्लोज होंगे वो वैल्यू यूज में काउंट होंगे। नहीं होती नहीं, अब से ऑनवर्ड। हम खड़े हैं 30 जून 22 पे, इस दिन की कैरिंग अमाउंट, इस दिन की वैल्यू इन यूज, इस दिन की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालने लगे, इन अदर वर्ड हम इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने लगे। वैल्यू इन यूज का कॉन्सेप्ट है कि जिस डेट पे हम खड़े हैं, अब से ऑनवर्ड्स अगर मशीन यूज हुई तो उसके यूज से जो जो कैश फ्लो जुड़ा हुआ है वो कंसिडर होगा, उसकी डिस्काउंटिंग होगी तो वैल्यू इन यूज निकलेगी। जो मैं अभी डेटर की बात कर रहा था वो मशीन के अब से ऑनवर्ड यूज की वजह से पैसे मिलेंगे।
मशीन से प्रोडक्शन हो चुकी, चीज़ें बन चुकी, चीज़ें बिक चुकी, डेटर बन गए। अब अगर 2023 में जाके उन डेटर से पैसा मिलेगा तो वो मशीन को अब मजीद यूज़ करने का पैसा होगा, वो तो पुराने यूज़ के अगेंस्ट पैसा आया होगा, तो वो हम वैल्यू यूज़ में नहीं काउंट करेंगे, ये कहा था मैंने। हाँ जी, यहाँ तक जाग रहे हैं ना, होश में हैं? 0.6 पढ़ लिया, चलें अब लिखिए सवाल। एक एसेट की रिमेनिंग लाइफ 4 साल है, रिमेनिंग लाइफ 4 साल है। ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज बता रहा हूं मैं, 1, 2, 3, 4 के ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज। ईयर 1 में 55,000, ईयर 2 में 65,000, ईयर 3 में 70,000 और ईयर 4 में 80,000। ये मैंने ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज बताए हैं, 55, 65, 70 और 80। कैश आउटफ्लोज ये भी 1, 2, 3, 4। $25,000, $30,000, $35,000 or $45,000, 25, 30, 35, 45,000 net disposal proceeds at end of year 4 12,000, अच्छा ये हो गए कैश फ्लोज। अब उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन में लिखें, कैश इनफ्लोज ऑफ ईयर 1, कैश इनफ्लोज ऑफ ईयर 1 इंक्लूड, ये जो ऊपर आपको कैश इनफ्लोज बताए हैं ईयर 1 के, इंक्लूड ₹5,000, 5,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सेल मेड इन करंट ईयर, अ सेल मेड इन करंट ईयर, ये जो भी मैं यहां बात बता रहा था। अगली बात लिखें, अबव आउटफ्लोज इंक्लूड एन एनुअल लोन रीपेमेंट ऑफ ₹4,000, 4,000 डिस्काउंट रेट 11% है, वैल्यू इन यूज बता दीजिए आप जी, डिस्काउंट रेट 11% है, वैल्यू इन यूज बता दें।
सारे एनुअल मैंने कहा ना, एनुअल शामिल है, हर साल में 4,000-4,000 रुपए शामिल है। हाँ जी 119 ठीक है। ईयर वन में क्योंकि इस 55,000 में 5,000 वो शामिल था जो गुजरे हुए काम का पैसा था, वो नहीं करना करते थे, इसलिए वो निकाल दिया। ये जो भी मैंने डेटर वाला पॉइंट बताया था बाकी ठीक है। 65 इसी तरह जो आउटफ्लोज दिए हुए हैं उनके अंदर लोन रीपेमेंट भी डाली हुई है, वो नहीं लेनी, वो निकाल दें। 21 रह गया, 25 में से 4 निकाल दें, 30 में से 4 निकाल दें, 35 में से 4 निकाल दें और 45 में से 4 निकाल दें, क्योंकि इसमें लोन रीपेमेंट शामिल करके दी है, वो नहीं करनी कंसीडर। और एंड पे कितने का बेचेंगे? 12,000। 29, 39, 39, 51। तो जब इसकी 11% पे डिस्काउंटिंग करेंगे तो वैल्यू यूज आ जाएगी। बस आंसर ही बता दें, 119915। राउंडिंग ऑफ डिफरेंस कोई मसला नहीं। तो जो ऑलरेडी बन चुकी बिक चुकी चीज़ों का डेटर का पैसा था वो नहीं कंसिडर होना, वो निकाल दिया, क्योंकि वैल्यू यूज का कॉन्सेप्ट है कि अब से ऑनवर्ड अगर एसेट यूज हुआ तो क्या क्या कैश होगा। तो लोन वाला कैश वो भी इग्नोर कर दिया और जो पहले साल डेटर के पैसे थे वो भी छोड़ दिए। हाँ जी यहाँ तक। अच्छा जी, वैल्यू इन यूज पॉइंट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, ये जबानी देख लें बस। जब आप फॉरेन करेंसी में एक टॉपिक पढ़ाना है, जब आप वो पढ़ लेंगे तो ये कन्वर्जन वगैरह हो जाएगी तब हैंडल। बहरहाल आई एस 36 में भी मैंने एक सवाल रखा हुआ है इस पॉइंट का, अभी बस जबानी समझ लें। पॉइंट नंबर 7, पेज 4, पॉइंट नंबर 7, जबानी समझ लें, अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैंने इसका एक सवाल रखा हुआ है आगे, तब कर लूँगा डिस्कस। अगर एक एसेट है, मशीन है, बस 2-3 पॉइंट समझ लें फिर ख़त्म करता हूँ क्लास।
एक मशीन है जिससे प्रोडक्शन होनी है और वो होनी है एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होगी तो कैश फ्लोज अराइज तो फॉरेन करेंसी में होंगे, लेकिन हम पाकिस्तानी कंपनी है, हमें चाहिए तो सब रुपए में, तो जो इस एसेट से रिलेटेड कैश फ्लोज होंगे वो होंगे फॉरेन करेंसी में, लेकिन हमने वैल्यू इन यूज 12 रुपए में निकालनी है। क्यों रुपए में निकालनी है? क्योंकि हमारी बुक्स में सब रुपए में है और कैरिंग अमाउंट रुपए में है, तो फिर कंपेयर करने के लिए वैल्यू यूज भी रुपए में होनी चाहिए। इसका हल ये है, पॉइंट नंबर 7 पढ़ लें। पॉइंट 7 में ये कहा हुआ है कि लेट्स से डॉलर है, तो पहले डॉलर वैल्यू यूज निकालेंगे, प्रॉपर वैल्यू यूज यानी डिस्काउंटिंग कर लेंगे, यही ये फर्स्ट करें डॉलर है, पहले सारा सवाल डॉलर में सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू यूज निकाल लेंगे, फिर इस वैल्यू यूज को रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे आज का रेट लगा के, सारी कैलकुलेशन डॉलर में, वैल्यू यूज डॉलर में, और बस इसको फिर आज के रेट पे रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, 30 जून 22 हम जिस दिन खड़े कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस दिन के रेट पे उसको रुपए में ले आएंगे। ये पॉइंट 7 में लिखा भाई, आगे एक सवाल में कर दूंगा, मैं पढ़ लें जल्दी से, मैं आगे कर दूंगा इसको एक सवाल में। ये मैंने आपको पेज 4 पे पॉइंट 7 बताया। जी मतलब अगर ये सारे डॉलर में है तो फिर फाइनल फिगर को रुपए में ले आएंगे, और अगर ये डॉलर में है और ये रुपए में है तो इनकी डिस्काउंटिंग अलग कर लेंगे, इसकी डिस्काउंट। ये सवाल पूछा स्टूडेंट ने कि अगर ये डॉलर में है और बाकी सब रुपए में है तो फिर उसकी अलहदा पीवी निकालेंगे, इनकी अलहदा पीवी निकालेंगे, उसकी जो अलहदा पीवी निकाली होगी उसको रुपए में लाएंगे, फिर इसकी पीवी से नेट करेंगे। यानी ये तो कैलकुलेशन करने के स्टेप्स है ना, कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले डिस्काउंटिंग फिर रुपए में लाना। पॉइंट 7 डन। बस आइए कह रहे हैं, क्योंकि अगर हर साल की कन्वर्जन करेंगे तो एक नई टेंशन आ जाएगी कि हर साल का एक्सचेंज रेट क्या हो, तो उस टेंशन से बचाने के लिए एक बार डॉलर की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, फिर एक ही बार कन्वर्ट कर लें, बार बार कन्वर्जन रेट निकालना पड़ेगा, तो उससे बचाया हुआ। बस थोड़ी सी हिम्मत, बस थोड़ा सा रह गया। पॉइंट 1, 2, 3, 4 डन, 6 डन, 7 डन। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 आधा समझाऊंगा, आधा जो है ना वो अभी नहीं, वो एक सवाल के साथ समझाऊंगा। उसका एक सवाल है आगे, आईएएस की ओरिजिनल एग्जांपल है, मैंने उसको एक सवाल की शक्ल दी हुई है, तो वो सवाल कराते हुए समझाऊंगा, आधा समझाता हूं भी है, कॉन्सेप्चुअल होश से सुनिएगा। इसमें कुछ पूछना है तो कुछ खड़े हैं, 3 साल लाइफ के गुजर चुके हैं, टोटल रहते हैं बाकी 4, ये 4 साल रहते हैं अभी इस वक्त, इस 7 साल यूजफुल लाइफ, इस 7 साल यूजफुल लाइफ वाले, इस 7 साल यूजफुल लाइफ वाले एसेट की अभी कैरिंग अमाउंट है 600 मिलियन। 7 साल लाइफ वाला एसेट है, 7 पे डेप्रिशिएट करते आ रहे थे, यहाँ खड़े हैं हम 30 जून 22 पे, ये 23 है 24 है 25 है 26 है, अभी इसकी बुक वैल्यू 600 मिलियन है। वैल्यू यूज निकालने के लिए कौन कौन से ईयर्स यूज करेंगे? ठीक है, रिमेनिंग 4 रहते हैं, इन 4 ईयर्स में इस साल में वो कैश 70 मिलियन नेट इन होगा, इसमें 90 होगा, इसमें 150 होगा, इसमें 230 होगा, बल्कि थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ये इसके फ्यूचर कैश फ्लोज हैं। तो वैल्यू इन यूज क्या होगी? इनकी पीवी। अच्छा, ये नेट कैश मैंने लिखा है, नेट। अभी इस वक्त ये 600 मिलियन कैसे कैलकुलेट हुआ है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। वो डेप्रिसिएशन किस लाइफ को इस्तेमाल करके कैलकुलेटेड है? 7। यानी अभी इस वक्त जो एसेट हमारे पास मौजूद है उसकी औकात ये है कि वो 4 साल तक जिएगा और इतना इतना कमा के देगा। अच्छा, इसके अंदर कैश आउटफ्लो नेट किए हुए मैंने, ये नेट हैं,
इन चार साल की उसकी बिजली की कंजम्पशन भी शामिल है, उस मशीन के ऑपरेटर की सैलरीज भी शामिल है, रिपेयर मेंटेनेंस भी शामिल है, या रिपेयर मेंटेनेंस नहीं है शामिल, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए ना, और मेंटेनेंस करेंगे तो चार साल चलेगा ना, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है, नेट हुआ हुआ। मैनेजमेंट ने इरादा कर लिया हुआ है, इरादा कर लिया हुआ है कि जब 2000 पता नहीं कौन सा एंड होगा तो हम इसके ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, इसको इंप्रूव करेंगे, इसकी अपग्रेडेशन करेंगे 120 मिलियन की। उससे इसकी लाइफ एक तो दो साल बढ़ जाएगी, और फिर ये जो 120 मिलियन खर्चा किया होगा मजीद कैश इनफ्लो भी होगा, तो यहां पर कोई 80 आ जाएगा, यहां पर कुछ 40 आ जाएगा, यहां पर 70 आ जाएगा, इतना खर्च करेंगे तो इतना फिर इनफ्लो भी होगा। मैनेजमेंट ने इरादा कर लिया हुआ है, पक्का इरादा कि इस एसेट को इंप्रूव करेंगे, अपग्रेड करेंगे, जो भी खर्चा है कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, इतना खर्चा होगा और उससे ये वाले लाल वाले कैश फ्लोज आएंगे। हम खड़े हैं अभी 30 जून 22 पे, 600 मिलियन इसकी कैरिंग अमाउंट है, जाग रहे ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 600 मिलियन कैरिंग अमाउंट है, वैल्यू इन यूज निकालनी है, सिर्फ नीले वाले कैश फ्लोज यूज होंगे या लाल वाले भी होंगे, पक्का इरादा है, पक्का वादा है, कमिटमेंट कर लियो, एक बार कमिटमेंट कर ले तो खुद की भी नहीं सुनते। हाँ जी, लाल वाले कैश फ्लोज होंगे कंसीडर, अच्छा क्यों नहीं होंगे, हाँ हाँ ऑपरेशन यूज से तालुक है, हाँ दोबारा बोलिए, नहीं नहीं है फिर वैल्यू लेस कॉस्ट, बस वैल्यू इन यूज, हाँ तो कोई बात नहीं, वैल्यू इन यूज तो वैसे ही फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं, दोबारा बोलिए, नहीं वो तो बात ठीक है, हमने डेबिट सेशन तो 7 साल के हिसाब से की हुई है कैलकुलेट, लेकिन वैल्यू यूज तो फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं, तो हमें तो पता है फ्यूचर में हमने क्या क्या करना है, यानी नीले और लाल दोनों कैश फ्लोज कंसिडर होंगे। अच्छा चलिए समझाता हूँ, आप अभी हैं पार्ट क्वालिफाइड, आप सीए नहीं हैं, आप भेजते हैं कहीं रिश्ता, अब आप कहेंगे जी मैंने सीए करना है, जब सीए हो जाएगा तो इतनी इतनी इनकम हो जाएगी, तो अभी आपको उस रिश्ते की हाँ इस बात पे हो जाएगी कि सीए होगा तो ये कुछ हो जाएगा है नहीं, अभी इस वक्त जो औकात है आपकी उसकी बेस पे रिश्ता हाँ या ना होना है, पता नहीं सीए होगा कि नहीं होगा, अभी इस वक्त जो हैसियत है उसकी फ्यूचर बेनिफिट्स देखने, तो हम ये जो वैल्यू इन यूज निकालना चाह रहे हैं क्या करेंगे, वैल्यू यूज निकाल के नहीं है फिर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल, उसको हम रिकवरेबल अमाउंट कहेंगे, उसको इससे कंपेयर करेंगे, तो जिस हैसियत, जिस फिजिकल हैसियत, जिस पोटेंशियल, जिस कैपेसिटी वाला, जिस औकात वाला एसेट है, वैल्यू इन यूज भी उसी की होनी चाहिए। ये अगर लाल वाले कैश फ्लोज भी कंसिडर कर लिए, चलो मैं इसको कैपेसिटी के अतबार से बताता हूं, अभी इस वक्त जो मशीन हमारी बुक्स में 600 मिलियन की है, इसकी कैपेसिटी है रोज के 10,000 यूनिट्स बनाने, हमने इसको अपग्रेड कर लेना है और 15,000 पे कैपेसिटी ले जानी है, तो हम 10,000 प्रोडक्शन कैपेसिटी वाले एसेट की कैरिंग अमाउंट को 15,000 कैपेसिटी वाले बेनिफिट से क्यों कंपेयर करें, अभी एसेट जिस हैसियत में है वैल्यू इन यूज भी उसी के मुताबिक निकलनी चाहिए। अगर कल को हम बेशक पक्का ही इरादा क्यों ना कर चुके हैं इंप्रूवमेंट का, फिर भी इंप्रूवमेंट हुई थोड़ी है, अभी अभी इस वक्त एसेट जिन हालात में है उसी के मुताबिक फ्यूचर एस्टिमेट करना है, तो हम इन लाल कैश फ्लोस को इग्नोर कर देंगे, चाहे कसम ही क्यों ना खा ली हो मैनेजमेंट ने, फिर भी अभी इस वक्त जिस फिजिकल कंडीशन में एसेट है, अच्छा कल को वो डाउन तो होगा लेकिन वो यही एसेट है जो चलते 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 इन 4 साल को गुजारेगा, उसकी वैल्यू यूज निकालनी है, जो कल को हम इसमें फ्यूचर इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, कसम भी खा लियो फिर भी उस फ्यूचर इंप्रूवमेंट का आउटफ्लो भी और उससे आने वाले कैश इनफ्लोज भी ये सब इग्नोर कर देंगे। पेज 4 पॉइंट नंबर 5 मैं खुद ट्रांसलेट करता हूं, है यार मुझे चीखना ज्यादा पड़ रहा है, चले हटा दिया माइक, हटा दिया। पेज 4 पॉइंट नंबर 5 मैं पढ़ रहा हूं, फ्यूचर कैश फ्लोज शैल बी एस्टिमेटेड, कैसे, फॉर द एसेट इन इट्स करंट कंडीशन, अभी इस वक्त एसेट जिस कंडीशन में है, जो उसकी अभी हैसियत है, उसकी वैल्यू यूज निकालनी है, यह पहले सेंटेंस का मतलब है। देयरफॉर
फ्यूचर कैश फ्लोज शैल नॉट इंक्लूड, लाल वाले फ्यूचर कैश फ्लोज शैल नॉट इंक्लूड, ये लाल वाले कैश फ्लोज क्या एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज, 0.5 पढ़ रहा हूं मैं, साथ साथ चलिएगा, फिर से फ्यूचर कैश फ्लोज शैल बी एस्टिमेटेड फॉर दी एसेट इन इट्स करंट कंडीशन फुल स्टॉप, अभी इस वक्त एसेट जिस हैसियत का है उसकी वैल्यूज निकालनी है, देयरफॉर फ्यूचर कैश फ्लोज शैल नॉट इंक्लूड, ये लाल वाले कैश फ्लोज, फ्यूचर कैश फ्लोज शैल नॉट इंक्लूड क्या एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज दैट आर एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम पार्ट बी, ए नहीं समझा रहा अभी आपको, वो एक सवाल कराते हुए समझाऊंगा, पार्ट बी इंप्रूविंग और इनहेंसिंग दी एसेट्स परफॉर्मेंस, जो हम कल को एसेट की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर लेंगे इनहेंस कर लेंगे उससे रिलेटेड ना ही आउटफ्लो कंसिडर करना है ना ही इनफ्लोज कंसिडर करना है, क्योंकि ये तो एसेट को ही बदलने वाली बात हो जाएगी, तो ये लाल वाले कैश फ्लोज को इग्नोर करना, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस एसेट की जो लाइफ 7 साल पूरी करने के लिए जरूरी मेंटेनेंस हो उसको नहीं इग्नोर करना, वो तो होने कंसिडर, इवन के नहीं रिस्ट्रक्चरिंग नहीं समझाया मैंने आपको, मैंने पॉइंट ए नहीं समझाया, 0.5 का ए मैंने नहीं बताया अभी, ये एक अलग से सवाल में समझाऊंगा मैं, इसके पूरा सवाल है, आईकेप की एग्जांपल है, उसका मैंने एक सवाल बनाया हुआ है उसके साथ समझाऊंगा, मैंने 5 का ए नहीं बताया अभी, अभी मैं बी बता रहा हूं, इन लाल कैश फ्लोस को इग्नोर करना है ओके, लेकिन इन 4 साल को चलाने के लिए जो जरूरी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी वो तो करनी है कंसिडर, के वो भी नहीं करनी, वो जो 5वें साल के एंड पे मेजर ओवरऑलिंग करनी है, बड़ी मेंटेनेंस करनी है तो जाके 7 पूरे करेगा, वो करनी है कंसिडर, ईयर 4 के एंड पे जाके कुछ पार्ट रिप्लेस करने हैं तो जाके 7 साल पूरे करेगा, वो होगी कंसिडर, यानी इसको 7 साल तक पहुंचाने के लिए जो जरूरी खर्चे हैं वो तो होने, फर्दर इंप्रूवमेंट कंसिडर नहीं होनी, जो जरूरी मेंटेनेंस है वो होनी है तो ही तो 7 साल पूरे करेगा। देखिए अगर 6ठे साल जाके कुछ पार्ट रिप्लेसमेंट करनी है, 5वें साल पार्ट रिप्लेसमेंट करनी है तो वो तो जरूरी है, तभी तो 7 साल पूरे करेगा, वो होने हैं कंसिडर, ये वाले कैश फ्लोज कंसिडर नहीं होने, तो पार्ट बी भी पढ़ लें और उसका डब्बा भी पूरा पढ़ लें, 5 का बी ये मैंने आपको समझा दिया और उसका डब्बा भी पढ़ लें, पहला बुलेट पॉइंट, necessary to maintain the level of economic benefits expected to arise from the asset in its current condition, yani abhi yahi wala asset 7 saal chalane ke liye jo zaruri hona hai wo hoga consider, ye further improvement nahi honi consider chahe wo capex ki na 6-7 year mein, agar humne maine isliye kaha na ki agar isme koi part replacement honi hai to wo to capex ho sakta hai, wo hona hai consider, kyunki wo hoga to 7 saal pure chalega, wo consider karna hai, ये जो मजीद नई इंप्रूवमेंट आने लगी है ये नहीं होनी कंसिडर। पॉइंट नंबर 5B डन, डब्बे हैं सीजीयू इग्नोर करें, कैश जनरेटिंग यूनिट ये इग्नोर, ये मैंने पढ़ाना है आपको, कैश जनरेटिंग यूनिट या सीजीयू यहां भी लिखा हुआ है इग्नोर, पॉइंट 5 पॉइंट बी डब्बा डन, पूरा डब्बा डन, पूरा डब्बा डन है, दूसरा बुलेट पॉइंट भी डन, दूसरा बुलेट पॉइंट भी समझें, मैंने 5 का A अभी नहीं समझाया, B समझाया है और B के नीचे जो डब्बा बनाया हुआ है उसका पहला बुलेट पॉइंट बता दिया, दूसरा बुलेट पॉइंट बताता हूं, एक बिल्डिंग है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्लांट है अंडर कंस्ट्रक्शन है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अभी तक इस पर खर्चा हो चुका हुआ है 400 मिलियन, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, हम यहां खड़े हैं, इसकी कैरिंग अमाउंट 400 मिलियन है, अभी पहले तो इसको 1 साल और लगेगा, इस पे पहले 150 और खर्च होगा, फिर कहीं जाके मुकम्मल होगा, फिर कमाना शुरू करेगा, इसकी वैल्यू इन यूज निकालने के लिए ये 150 का आउटफ्लो लेना है या नहीं लेना, तो ये तो फ्यूचर इंप्रूवमेंट नहीं है, ये तो वर्किंग कंडीशन में आएगा तो कमाना शुरू करेंगे, ये 150 करना है कंसिडर, ये नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्लांट है, मुकम्मल होगा तो कमाएंगे ना, तो ये 150 होगा कंसिडर, ये दूसरे बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ, डब्बे का दूसरा बुलेट पॉइंट ये है,
अच्छा अब आप एक मेहरबानी ये कराइए, एक सवाल है, कैफ का सवाल है, जबानी देखना हो जबानी देख लेना, लिख के करना हो लिख के कर देना, लिख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो कम अज कम जबानी भी देख लेना, ईमान का कम तरीन दर्जा है जबानी देख लेना। कैफ का सवाल है, जबानी देख लें तो भी चल जाएगा। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपको फाइल शेयर किए हुए और आप लोग जब बुक लेके देख रहे होंगे, अच्छा मैंने कल बुक का स्ट्रक्चर बताया था, मैंने एक चैप्टर के तीन टुकड़े किए हुए हैं, एक चैप्टर टेक्स्ट है जिसमें सारी अंग्रेजी लिखी हुई है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो खुद बनाए हुए सवाल, कैफ के सवाल और आईएफआरएस की ओरिजिनल एग्जांपल्स हैं, और एक आई कैफ पास्ट पेपर्स का सेक्शन है। तो ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में से क्वेश्चन वन, प्रैक्टिस क्वेश्चन में से क्वेश्चन वन, ये कैफ का एक सवाल है लेकिन अच्छा है रिविजन के लिए। जी नहीं नहीं अभी जरा रुको, जरा सब्र करो, अभी जरा एक दो हफ्ते गुजार लें, अभी ना मैं कैफ खत्म कर लूं, अभी तो दो हफ्ते लगेंगे, ये 10 मुहर्रम की छुट्टी गुजार लेना, घबराना नहीं आपने। अच्छा जी ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसमें से क्वेश्चन वन कर दीजिएगा, ये कैफ का सवाल है, जी बस ठीक है छुट्टी।